आप लोगों से बातें करना है तो माहौल तो शांत करना पड़ेगा ना। तो कैसे हो, क्या हाल चाल है, कितने दिन हो गए कुछ अपलोड किए हुए? मैं काउंट कर रहा था, करीब 42 डेज, आज 43 है। इतने दिन हो गए कुछ अपलोड किए हुए। तो आज मैं अपने आपको एक चैलेंज करने वाला हूँ। वो चैलेंज के बारे में आपको पता होगा पहले से, अगर मेरे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो मैंने ये स्टोरी डाला था वहाँ पे। मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ, वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा, वो मैं आपको रास्ते में बताता चलूँगा। तो वो अभी चैलेंज करेंगे, उसके लिए फुल रेडी हूँ। और आज वर्किंग डे है तो ऑफिस भी जाना है, तो ऑफिस और चैलेंज सब एक साथ होगा। तो अभी मैं समझाता हूँ कि वो चैलेंज क्या है। तो ये मैंने टैनिंग से बचने के लिए पहना हुआ है, सब पहनते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो मेरे घर से जो मेरा ऑफिस है वो है करीब अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर दूर। और मैं आज क्या करने वाला हूँ कि मैं वही 5 किलोमीटर बाय वॉकिंग ट्रैवल करने वाला हूँ। मतलब अपने 11 नंबर की बस से पूरा 5 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। अब आप लोग बोलोगे इसमें बड़ी बात क्या है, कोई भी कर सकता है, कर सकता है, कोई भी कर सकता है, वो कोई दो बात नहीं है। बट 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद कोई रेस्ट नहीं, मैं ऑफिस में दिन भर अपना काम करूँगा, जो भी काम रहेगा काम करूँगा। फिर पूरा दिन काम करने के बाद फिर रात को मैं सेम वैसे ही वापस आऊँगा। तो बस अपना चैलेंज अभी स्टार्ट हो चुका है। मैं रायपुर नाका क्रॉस कर चुका हूँ पैदल पैदल। और एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे को ना लिफ्ट मांगने में बहुत शर्म आता है। मैं सबको लिफ्ट दे देता हूँ बट मैं खुद के लिए लिफ्ट मैं कभी नहीं मांग पाता हूँ। तो शायद ये पूरा वॉकिंग ही होने वाला है, मेरे को नहीं लगता मैं लिफ्ट मांग पाऊँगा, बट अगर मिल जाता है। ये एक शॉर्टकट है मालवीय नगर वाला, बहुत लोग को पता होगा, बट आगे जो दिख रहा है वो थोड़ा सा तकलीफ देगा। थोड़ा पानी भरा हुआ है, जूते गंदे हो जाएंगे, देखते कुछ ना कुछ उपाय करेंगे इसका भी। तो यूजली मैं अपने बैग में ना 2 बॉटल रखता हूँ पानी का, बट आज वेट ना लगे बोल के 1 ही बॉटल रखा हूँ। तो ये थोड़ा हल्का लग रहा है, तो ऐसे यूजुअल डेज में ये भारी होता है। जब मैं साइकिल से जाता हूँ ऐसा थोड़ी ना जाता हूँ साइकिल से, जैसे भी जाता हूँ साइकिल से, तो ये थोड़ा हल्का होता, मतलब भारी होता है, आज हल्का है। तो अभी मैं हाफ वे आ चुका हूँ, आधा आ चुका हूँ, आधा बाकी है। और अभी मैं वो खालसा स्कूल से जो रोड आता है जेल रोड, उसमें हूँ। और ये रोड बहुत लंबा लगता है, घुमाऊँ बहुत लंबा लगता है। और एक चीज़ जो है, मैं वो नहीं सोचा था कि मेरा जो शर्ट है वो पसीने से गीला हो रहा है। ये जो स्ट्राइप वाला साइड है और पीछे में बैक में, ये पूरा गीला हो रहा है पसीने से। तो सूख जाएगा वैसे वो, तो आधा पौने घंटा लगेगा सूख जाएगा, बट जाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब कैसा चप चप कर रहा है अंदर। तो ये चीज़ मैं सोचा नहीं था कि ये भी होगा करके, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कोई चीज़ प्लान नहीं करता हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं वो करता जाता हूँ। तो ये मेरे प्लान में नहीं था, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो गई मेरे साथ। तो ये सामने रिक्शा दिख रहा है आपको, अभी मेरे पास आया। और आमतौर पर रिक्शा वाले कैसे पूछते हैं, ए कहाँ जाना है, ए रिक्शा रिक्शा, ऐसा ऐसा करके बड़े प्यार से आके पूछते हैं ना। और सर रिक्शा, मैं बोला नहीं सर नहीं लगेगा। मैं थका नहीं था बट अब मोहल्ले के लोग दिख गए तो मैंने लिफ्ट ले लिया। वो भैया शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने मेरे को लिफ्ट दिया और मैं हाफ पे पैदल आया और हाफ पे बोल सकते हैं कि लिफ्ट लेके आया। तो अभी मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, तो अभी पूरा दिन काटते हैं, मेरे लिए पूरा दिन, आपके लिए कुछ सेकंड। और मैं खास उतना कुछ थका नहीं। शाम के साथ मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ और भाई मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रहा है पैदल घर जाने का। मैं सुपर डेड हो चुका हूँ, मेरे पैर भी ऐसे ऐसे हो रहे जाने के लिए।
अबे यार ये मेरे को पसंद नहीं है, लाइटिंग नहीं मिलता अच्छे से यार। तो मैंने मम्मी को कॉल करके बुला लिया है, मम्मी थोड़ा सा आ जाएगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो उनके साथ चला जाऊँगा। दिन भर के बाद भाई मेरे को अंदर ताकत बचा ही नहीं है कि मैं ये जो चल रहा हूँ ये भी मजबूरी में चल रहा हूँ कि आ रही है बोल के थोड़ा सा चले जाता हूँ घर को। तो मेरा हालत बहुत टाइट है, ये चैलेंज वैलेंज हार गया मैं, दोबारा कभी वो चैलेंज वैलेंज नहीं करने वाला, मैं हार गया, मेरे से चैलेंज नहीं हुआ, आई एम सॉरी। होम स्वीट होम, यार एक मिनट लाइट जला दूँ। अब होम स्वीट होम, तो अभी जल्दी से फ्रेश होता हूँ, साइकिल निकालता हूँ, थोड़ा सा खाना बनाता हूँ, मम्मी का हेल्प करूँगा खाना बनाने में, फ्रेश होता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात में इतना थक गया था कि खाना वाना खाने के बाद मेरे पे ताकत बचा ही नहीं, मतलब इच्छा ही नहीं हो रहा था कि मैं कैमरा उठा के आपसे बात करूँ कर सकूँ। तो वो चैलेंज तो काइंड ऑफ फेल हो ही गया, कोई मतलब नहीं हुआ, बट वो चैलेंज करने के पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न मैं ऐसे छोटे से मैं नहीं बताना चाहता हूँ, वो एक रीज़न एक सेपरेट ब्लॉग डिजर्व करता है, तो वो ब्लॉग मैं अभी बनाऊँगा। तो वो ब्लॉग देखने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन दोनों दबा दो, ऑन कर लो। और इतने दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ इसलिए शायद रीच थोड़ी डाउन होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कुछ बढ़िया सा, कैसा लगा वीडियो, कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा कुछ भी कमेंट कर देना, उससे क्या है थोड़ा सा रीच बढ़ जाती है तो व्यूज़ वगैरह सब बैलेंस हो जाएंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, टिल देन शो सम लव टू एवरीवन एंड बाय।